वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली मुजाहिद आजादी राणा बेनी माधवगढ़ से उप राजनीतिक पेश करने की तकरीब में हिस्सा लिया। कहा, भारतीय जनता पार्टी जात पात और मजहब के नाम पर बांटने की सियासत नहीं करती। बेसिक तालीम के वजीर सतीश द्विवेदी ने कहा, रियासत की बेसिक तालीम को वो बेहतर बनाएंगे। जब तक बेसिक तालीम का मुकदमा अच्छा नहीं होगा, अच्छी रियासत का रास्ता हमवार नहीं होगा। दिल्ली में 2 से 13 सितंबर तक बंजर जमीनों को जरदेज बनाने के मौजू पर मुनाकिद की जाएगी कॉन्फ्रेंस। COP14 में 200 ममालिक के 3000 नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। और शाहजहांपुर में हुए जमीन सड़क हादसे में 17 लोगों की मौत, 5 लोग हुए जख्मी। वजीरआला ने हादसे को जाहिर किया, दो जख्मियों के मुनासिब इलाज के लिए आदाब। मैं हूं नकमा इरफान, खबरें अब तफसील से। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज रायबरेली में 1857 के कायद राणा बेनी माधव के 215वें यौम पैदाइश के प्रोग्राम में तकरीर करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जात पात और मजहब के नाम पर बांटने की सियासत नहीं करती। चोटी पर तिरंगा लहराने वालों को हम परमवीर चक्र से नवाजते हैं, लेकिन कुछ कुनबे मुल्क में ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर की असेंबली पर तिरंगा न लहराए। हमें भारत को टुकड़े टुकड़े में देखने की आदत नहीं है, हम पूरे मुल्क को एक धागे में पिरोना चाहते हैं। उन्होंने रायबरेली के बाशिंदों से अपील करते हुए कहा कि राणा बेनी माधव की संतानों और अपने वक़ार को पहचानो और मुल्क पर सब कुछ निछावर कर देने वालों को कबूल करो, और जो लोग मुल्क को तकसीम करने की बात करते हैं उन कुनबों का साथ छोड़ दो। 370 की मुखालफत करने वालों कुनबों की गलत पॉलिसियों की मुखालफत करो। जिन्हें भारत की स्वाधीनता अच्छी नहीं लगती, जिन्होंने अपने स्वार्थों के लिए भारत को जाति, क्षेत्र, मत और मजहब के आधार पर बांटा, वही लोग हैं जो छद्मवेष में आज फिर 370 का भी विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर सचिवालय पर तिरंगा का विरोध कौन कर रहा है? एक परिवार कर रहा है जो कहता है कि हमने देश को स्वतंत्र किया, लेकिन उन्हें तिरंगे से परहेज है, उन्हें तिरंगा से भी परहेज है। यानी जम्मू कश्मीर में उनको लगता है कि धारा 370 समाप्त नहीं होनी चाहिए थी। हम लोग कब से कहते थे एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। पूरा भारत उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक भाव और एक भंगिमा के साथ बोलता है, एक साथ डोलता है, एक साथ चलता है। योगेंद्र यादव सकुशल टाइगर हिल पर भारत के तिरंगे को पहनाने के बाद जब वापस आते हैं, पूरे देश ने खुशी मनाई थी, क्योंकि पूरा भारत एक है। हमने भारत को टुकड़े टुकड़े में बांट करके देखने की आदत नहीं डाली है, क्योंकि हमारा संस्कार नहीं। लेकिन जिन लोगों ने भारत को टुकड़े टुकड़े में देखने की आदत डाली है, वे लोग नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी भारत का तिरंगा पहने। आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप में सोने का तमगा हासिल करके तारीख रकम करने वाली पीवी सिंधु ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उन्हें आलमी चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने सिंधु के जरिए मुल्क का वक़ार बढ़ाने पर खुशी जाहिर की।
पीवी सिंधू ने वजीर खेल किरण रिजिजू से भी नई दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान वजीर खेल ने सिंधु के जरिए हासिल की गई कामयाबी को मुल्क के लिए वकार का लम्हा बताया। उन्होंने कहा कि उनकी नई ख्वाहिशा सिंधु के साथ हैं। मुलाकात के दौरान सिंधु के कोच पुलेला गोपीचंद भी उनके साथ मौजूद रहे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने मुआविन और साबिक वजीर मालियात आंझानी अरुण जेटली के घर पहुंचकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने अरुण जेटली की तस्वीर पर गुलाय अकीदत पेश किए और उनके कुनबे को तसल्ली दी। वजीर आजम ने जेटली की कैलाश कॉलोनी में वाकई रिहायशगाह पहुंचकर उनकी अहलिया संगीता जेटली, बेटी सोनाली जेटली और बेटे रोहन जेटली से बात की। वजीर आजम साबिक वजीर मालियात अरुण जेटली की वफात के वक्त गैर मुल्की दौरे पर थे। उस वक्त वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने उनकी तरफ से जेटली को खिराज अकीदत पेश किया था। वजीर आजम ने बहरीन से ही अरुण जेटली के कुनबे से बात करके अपनी ताजियत जाहिर की थी। वजीर आजम मोदी ने बेहद जज्बाती लहजे में कहा था कि जिस दोस्त के साथ आम जिंदगी गुजारी, सियासी सफर पर कदम से कदम मिलाकर चले, हर पल एक दूसरे से वाबस्ता रहे और साथ मिलकर जूझे, ख्वाबों को सजाने और निभाने का सफर जिसके साथ तय किया, वो दोस्त अरुण जेटली आज हमसे जुदा हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के लीडर पी चिदम्बरम को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की गिरफ्तारी के मामले में हिरासत की मुद्दत कल तक के लिए बढ़ा दी है। जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एस बोपन्ना की बेंच ने कहा कि चिदम्बरम को हिरासत में भेजने को चैलेंज करने वाली रिट समेत दो रिटों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की दलील वो बुध को सुनेगी। चिदम्बरम की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने एक दरख्वास्त दायर की कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के जरिए गुज़िश्ता साल 19 दिसंबर, 1 जनवरी और 21 जनवरी 1919 को साबिक मरकजी वजीर से पूछताछ के दौरान पूछे गए सवाल और उनके ख्वाबों की तहरीरी तफसील दस्तयाब कराने की अपील की। दुनिया भर में बंजर जमीन को बचाने के लिए COP14 कॉन्फ्रेंस दिल्ली में मुनक्किद की जाएगी। इसमें बंजर जमीन और खुशकसाली के मौजू पर तबादला ख्याल किया जाएगा। 2 से 13 सितंबर तक मुनक्किद होने वाली कॉन्फ्रेंस में 200 से ज्यादा मुल्कों के 3000 से ज्यादा नुमाइंदों के साथ 5000 दीगर माहिरीन हिस्सा लेंगे। COP14 प्रोग्राम का ऐलान करते हुए मरकजी माहौलियात और जंगलात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि आइंदा 10 वर्षों में 50 लाख हेक्टेयर बंजर जमीन को जरखेज बनाने का निशाना है। भारत ने अगले 10 साल के दौरान 50 लाख हेक्टेयर बंजर जमीन को उपजाऊ करने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जमीन को बंजर होने से बचाने के लिए आगामी 2 से 13 सितंबर तक दिल्ली में COP14 सम्मेलन का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में करीब 200 देशों के 5000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे जैसी चुनौतियों से निपटने पर चर्चा करेंगे। लगभग 100 देशों के मिनिस्टर्स उस विषय के आ रहे हैं। 3000 से ज्यादा डेलीगेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुए हैं। 200 देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये 12 दिन चलने वाला, इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स और बाकी विशेषज्ञ और उसमें काम करने वाले एनजीओज वगैरह भी आते हैं और सबकी अलग अलग चर्चा होती रहती है। उससे एक नवनीत निकलता है और वो नवनीत न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के रूप में आप सबके सामने आ जाएगा। गौरतलब है कि विश्व की एक तिहाई यानी करीब 4 अरब हेक्टेयर जमीन मरुस्थलीकरण से प्रभावित है और इसका असर 25 करोड़ लोगों पर पड़ रहा है। भारत में ये समस्या और भी गंभीर है, जहां करीब 29% जमीन मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण से प्रभावित है। ऐसे में भारत के लिए ये सम्मेलन काफी अहमियत रखता है। 50 लाख हेक्टर ऐसी खराब हुई जमीन का पुनर्स्थापना करना, उसको फिर से विकसित करके उपजाऊ बनाना, ये चैलेंज हमने लिया है और उसके साथ साथ एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस देहरादून में बिठाए, ये भी हमने तय किया है। और दिल्ली डिक्लेरेशन जो तय होगा, उसमें अनेक कार्यक्रम तय होंगे, उस सभी में भी भारत बराबरी की भागीदारी भी करेगा और दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। COP14 सम्मेलन के दौरान उपजाऊ जमीन के मरुस्थलीकरण और क्षरण को रोकने के लिए पिछले 2 साल में किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। COP14 के दौरान न केवल भूमि प्रबंधन और योजना पर चर्चा होगी, बल्कि इस दिशा में स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
इस दौरान दिल्ली घोषणा पत्र का भी ऐलान होगा। बरेली में 50 साल बाद अटल जदीदकारी और शहरी तब्दीली मिशन अमृत योजना के तहत सीवर लाइन की जदीदकारी का काम शुरू किया गया। इस स्कीम का असल की बुनियाद मरकजी वजीर मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार ने किया। खराब सीवरेज बरेली शहर का सबसे बड़ा मसला बना हुआ था, जिससे अब जल्द ही लोगों को निजात मिलने की उम्मीद जागी है। तकरीबन 55 करोड़ रुपए की लागत से 12.5 किलोमीटर की इस स्कीम को तैयार किया जाएगा। सीवरेज की जदीदकारी के लिए लंबे वक्त से शहर के लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरकारों की टलमटोल के चलते इस प्रोजेक्ट को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका था। अब स्कीम की संगे बुनियाद के बाद लोगों में उम्मीद जागी है कि आइंदा साल तक खस्ता हाल सीवरेज निजाम से निजात मिल जाएगी। 50 वर्षों पहले सीवर लाइन बनी थी और लगातार बैठ जाने से बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, तो अब ये पूरी 12.5 किलोमीटर लंबी जो मेन ट्रंक लाइन है उसका काम आज शिलान्यास शुरू हो गया है और मुझे लगता है कि अगले साल तक, एक साल जरूर लगेगा बनने में, एक साल तक थोड़ी परेशानियां और रहेंगी, लेकिन उसके बाद आने वाले 100 सालों तक बरेली में सीवर की कोई परेशानी नहीं रहेगी। प्राइमरी तालीम के वजीर का ओहदा संभालने के बाद सतीश द्विवेदी ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सहाफियों को बताया कि रियासत की तालीम को हम बेहतर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक प्राइमरी तालीम का महकमा अच्छा नहीं होगा तब तक अच्छी रियासत का रास्ता हमवार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मिड डे मील की स्कीम में शिकायतें आती रहती हैं, इसके लिए 4 रुकनी फ्लाइंग स्क्वाड तश्कील दिया गया है। इब्तदाई तालीम के डिविजनल अफसर इसकी क़यादत करेंगे। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तालीम को मुफीद बनाने और स्कूली इमारतों को दुरुस्त करने की पेशरफ्त का जायजा भी लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महीने में 2 बार डिवीजन के जिलों का मुआयना किया जाएगा और हर महीने मिड डे मील स्कीम का जायजा। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा को जैसी हमारी योगी सरकार की कल्पना है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा का विकास तो प्राथमिक पर निर्भर है ही, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश का विकास जब तक हमारा बेसिक शिक्षा विभाग नहीं अच्छा होगा तब तक पूरे प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। उसको ध्यान में रख करके उनकी संकल्पना के अनुसार, उनके समय समय पर मिलने वाले गाइडलाइन के हिसाब से जो चीज़ें हमने प्लान की थी सब चीज़ों को उन्होंने सरकार की ओर से सहमति प्रदान की है और ये भी कहा है कि बेसिक शिक्षा की बेहतरी के लिए किसी बड़े स्टेप के लिए अन्य विभागों के कोऑर्डिनेशन की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उन चीज़ों में भी, जैसे प्रधान कई जगहों पर इन्वॉल्व हैं उसको लेकर पंचायती राज विभाग, शहरी स्कूलों में जो नगर विकास विभाग के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि अन्य विभागों के भी कोऑर्डिनेशन की जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी बेसिक शिक्षा विभाग को वो सारी चीज़ें सरकारी स्तर पर होंगी। जब से मिड डे मील की योजना शुरू हुई है वो हमेशा से उसको लेकर के कुछ ना कुछ शिकायतें आती रहती हैं, कभी मेनू का अनुपालन कहीं नहीं होता है उसको लेकर, कभी खाने की क्वालिटी को लेकर के, कभी किचन के परिस्थिति को लेकर के, इन सारी चीज़ों को लेकर आता रहता है। अभी तक हम एक निरोधात्मक उपाय पर चल रहे थे कि जब कहीं से कोई शिकायत आती थी तब उस बारे में सोचते थे। हमने एक परमानेंट मैकेनिज्म डेवलप किया है कि जैसे माध्यमिक की परीक्षाओं में हम सबको अनुभव है, हम सब ने परीक्षा दिया है, उड़नदस्ता आता है तो किस तरह की चैतन्यता होती है, इसलिए परमानेंट मंडल स्तर पर एडी बेसिक जो हमारे अधिकारी होते हैं उनके नेतृत्व में सभी प्रदेश के सभी मंडलों में हम फ्लाइंग स्क्वाड का गठन कर रहे हैं, कर दिया है हमने। कानून और इंसाफ के वजीर ब्रजेश पाठक ने आज सरकारी मुलाजमीन की अदालत में इल्तवा में पड़े मुकदमों को जल्द निपटाने के लिए आज कानूनी मुशीरों तनाज़ियात के हल से मुतालिक महकमा जाति फोरम के अफसरान के साथ मीटिंग की। मीटिंग में उन्होंने अफसरान से कहा कि अदालतों में इल्तवा में पड़े मामलों का जल्द से जल्द निपटारा कराने की कोशिश की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इल्तवा में पड़े मुकदमों की तादाद बहुत ज्यादा है और इनके जल्द निपटारे से महकमों पर मुकदमों का बोझ कम होगा। सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे सभी मुकदमों को जिनको विभिन्न कर्मचारी संगठन हमको आवेदन पत्र दिए हैं उनको संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव या संबंधित अधिकारियों के साथ बैठ करके कोई बीच का रास्ता आपसी समझौते के आधार पर समाधान निकाल करके उनको लाभ मिल सकेगा और जो बड़ी संख्या में मुकदमे हैं वो भी कम हो सके। इसमें सभी विभाग हैं, जैसे उनका बैड एंट्री का मामला है, उनको पदोन्नति का मामला है या ऐसे भी होते हैं छोटे छोटे मामले जो
उनको लाभ न मिलने के कारण विभिन्न अदालतों में लगाते हैं चक्कर, कभी हाई कोर्ट जाते हैं या किसी अन्य अदालत में जाते हैं, तो मुकदमों की संख्या को कम करने के लिए सरकार ने कदम। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका वाड्रा आज रायबरेली सदर से एमएलए अदिति सिंह के आंजहानी वालिद अखिलेश सिंह को खराज अकीदत पेश करने के लिए उनके आबाई गांव लालपुर चौहान पहुंची। आंजहानी अखिलेश सिंह की वफात गुज़िश्ता हफ्ते हो गई थी। वो ब्लड कैंसर की बीमारी से लंबे अरसे से जूझ रहे थे। प्रियंका वाड्रा गमजदा कुनबे को तसल्ली देने के बाद वहाँ से अगले प्रोग्राम के लिए चली गईं। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुनाफा और सरप्लस रिजर्व के तौर पर सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। आरबीआई के बोर्ड के जरिए विमल जालान कमेटी की सिफारिशात को मंजूरी देने के बाद आरबीआई ने यह फैसला किया है। आरबीआई के फाजिल रिजर्व को सरकार को मुंतकिल करने पर गौर करने के लिए आरबीआई के साबिक गवर्नर विमल जालान की सदारत में इस कमेटी को तश्कील दिया गया था। कमेटी को आरबीआई की मौजूदा इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेम जुमरे का जायजा लेने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस कमेटी ने आरबीआई के गवर्नर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आरबीआई की तरफ से सरप्लस ट्रांसफर किए जाने से मरकजी सरकार के पास फाजिल पैसा आएगा, जिससे सरकार को अवामी कर्ज चुकाने वाले बैंकों को सरमाया देने में मदद मिलेगी। इससे बाजार में बड़ी तादाद में पैसा यानी लिक्विडिटी आएगी, साथ ही डिमांड बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। सार्फिन के तहफ़ से मुतालिक कानून 2019 के सभी जाब्ते दिसंबर तक तय कर लिए जाएंगे। सार्फिन के मामलों के मरकजी वजीर रामविलास पासवान ने सहाफियों के साथ बातचीत करके 15 सितंबर तक मशवरे तलब किए हैं। नई दिल्ली में मंगलवार को केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के नियम तय करने के लिए बैठक बुलाई, जिसमें तमाम सांसदों सहित उपभोक्ता मामलों के जानकारों ने भाग लिया। बैठक में उपभोक्ता कानून में सेंट्रल रेगुलेटर, भ्रामक विज्ञापनों, ई कॉमर्स फर्मों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेचने वाली कंपनियों के लिए सख्त दिशा निर्देश क्या हो, इस पर मंथन किया गया। 15 सितंबर तक जो है डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं कि अपना सजेशंस जो है लिखित में, सिर्फ ये नहीं कि मतलब कि ये नहीं है ये नहीं है, बल्कि सजेशंस क्या है, अधिक से अधिक कंज्यूमर के इंटरेस्ट में क्या कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं करेंगे। और जैसा कि हमने कहा है कि दिसंबर तक जो है, हमने पहले भी कहा था कि 3 महीना के अंदर में जो है, 3 महीना में हम जो है कहते हैं कि करेंगे, ये क्या कहते हैं रूल्स बना लेंगे। हाल ही में संसद से 3 दशक पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 को बदलकर इसकी जगह उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 को मंजूरी दी गई थी, जिसमें अब नियमों को तय किया जाना है। नए कानून में उपभोक्ताओं के हितों के लिए कई कदम उठाए गए हैं। पुराने नियमों की खामियों को दूर किया गया है। आमतौर पर कानून लागू होने के बाद नियमों के बनने में वक्त लगता है, लेकिन मंत्रालय की सक्रियता से इसे जल्द तय कर लिया जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं को मजबूत संरक्षण मिल सके। आगरा के यूथ हॉस्टल में मुनाकिद एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए भारतीय बौद्ध संघ के कौमी सदर भंते संगप्रिया राहुल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की सताइश करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जरिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आर्टिकल 370 हटाने का अच्छा फैसला लिया गया है। इससे पहले जहां आर्टिकल 370 से पूरा मुल्क खौफजदा था, लेकिन अब इससे निजात मिल गई है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी आर्टिकल 370 की मुखालफत की थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब अंबेडकर के एक आईन, एक निशान और एक विधान के सपने को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दलित मुखालिफ नहीं, बल्कि दलितों की तरक्की के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती की भी तनकीद की और कहा कि मायावती खुद को दलितों का हमदर्द कहती हैं, लेकिन वो दलितों की हमदर्द नहीं है। उन्होंने वजीर आजम से मुतालबा किया कि मुस्लिम मदरसों में कौमी परचम के साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर भी लगाई जाए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का एक सपना था कि एक संविधान, एक निशान और एक विधान, जिसको भारत के प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान था, उस संविधान को पे चलते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री जी ने भारत का विकास के तरफ ये निर्णय लिया है कि आरएसएस और बीजेपी दलित विरोधी नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दलितों के हित के लिए कार्य कर रही है।
शाहजहांपुर थाना रोजा इलाके की नेशनल हाईवे 24 जम्मू का चौराहे के पास एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया। यहां सवारियों से भरे ऑटो में ट्रक की टक्कर के बाद पास खड़े टाटा मैजिक पर ट्रक पलटने से 17 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग संगीन तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल करा के इलाज किया जा रहा है। डीएम और एसपी ने मौके पर जाके बचाव और राहत के काम का जायजा लिया और लोगों से पुरअमन रहने की अपील की। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि ट्रक और ऑटो की टक्कर से पास खड़े टाटा मैजिक पर पलटने से सूरतेहाल संगीन हो गई, जिससे 17 अफराद की मौत हो गई और 5 लोग संगीन तौर पर जख्मी हो गए। अभी मरने वालों की शनाख्त नहीं हो पाई है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला शाहजहांपुर में हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत पर गहरा रंजोगम जाहिर किया है। उन्होंने इस हादसे में हलाक होने वालों की रूह की तस्कीन के लिए दुआ की और गमजदा कुनबों के तई अपनी ताजियत जाहिर की है। वजीर आला ने शाहजहांपुर के जिला मजिस्ट्रेट को महलुकीन के कुनबों को राहत की रकम फौरी तौर पर दस्तियाब करने हादसा हुआ आज जिसमें एक ट्रक आ रहा था और ट्रक ने टक्कर मार दी, मुनासिब इलाज कराने की भी हिदायत दी है, जिससे ऑटो पलट गया और एक पीछे उसके छोटा हाथी जिसको कहते हैं छोटी गाड़ी आ रही थी वो भी पलट गई, उसके ऊपर ट्रक आकर गिर गया, जिसकी वजह से 16 कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट की जा रही हैं। इसके अलावा 5 लोग घायल हैं, जिनमें से एक महिला है, एक बच्चा है और 3 पुरुष हैं। सभी अभी डॉक्टर साहबान ने उसको चेकअप किया है, सब खतरे से बाहर हैं, लेकिन एक महिला और एक पुरुष को हेड इंजरी है, जिसका एक्सरे इत्यादि कराया जा रहा है, उनको उपचार दिया जा रहा है। ज़रूरत पड़ेगी तो उनको मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र भी कर दिया जाएगा यहाँ से। अभी यहाँ पर हम उनसे मिलकर आ रहे हैं, सब बात कर रहे हैं, सब होश में हैं और खतरे से प्रथम दृष्टया बाहर बताए जा रहे हैं। उनका प्रॉपर समुचित चिकित्सा प्रबंध हो जाए, इसकी व्यवस्था जिला अस्पताल के द्वारा की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार डग्गा वाहन ऑटो का जो चालक है वो घायल है स्वयं। उसने बताया कि संभवतः ट्रक का स्टेयरिंग फेल हो गया, इसकी वजह से वो अपनी दिशा से मुड़कर आकर इस गाड़ी से टकरा गया। उसका कहना है कि टेम्पो में केवल 3 लोग थे, एक वो स्वयं, एक दूसरा व्यक्ति और एक बच्चा, एक लड़का, और जो ज़्यादा लोग थे वो सफ़ेद हाथी में थे, छोटा मैजिक जो होता टाटा मैजिक उसमें थे, और वो नीचे गिर गई दोनों गाड़ियाँ, उसके ऊपर से ट्रक गिर गया जिसकी वजह से हादसा हुआ। तो जो ड्राइवर का बयान है उससे ऐसा लग रहा है कि स्टेयरिंग फेल हो जाने की वजह से ट्रक अनियंत्रित हो गया और उनके ऊपर गिर गया। जिला बलरामपुर में स्मार्ट बेटियां प्रोग्राम के तहत यूनिसेफ के जरिए एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में लड़कियों को बचपन की शादी, जिनसी तफरीक, तख्जिए की कमी, सफाई सुथराई और बच्चियों की तालीम के बारे में मुस्बत तब्दीली की कहानी तलाश करने और फिल्म बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि देही कुनबों की लड़कियां आगे बढ़ सकें। जिला बलरामपुर में 47% लड़कियों की शादी 18 साल से कम की उम्र में हो जाती है। वर्कशॉप में बेटियों को मुख्तलिफ मसाइल के बारे में बेदार किया जा रहा है। यूनिसेफ की मीडिया कोऑर्डिनेटर मिस रिचा बताया कि एक स्मार्ट बेटी 2 ग्राम पंचायतों की 5-5 बच्चियों के साथ खवातीन के मसाइल पर काम करेंगी। स्मार्ट बेटियां खवातीन के मसाइल से मुतालिक दिलचस्प वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचाएंगी, जिससे लोग बेदार हो सकें। वर्कशॉप में स्मार्ट बेटियों को वीडियो बनाने और खबरें तहरीर करने की तरबियत दी जा रही है। तरबियत हासिल कर रही स्मार्ट बेटियों ने बताया कि उनको पहले गांव से ताबून नहीं मिलता था, वो घर से नहीं निकल पाती थी। अब उनके आगे बढ़ने से गांव की दूसरी बेटियों को भी उनके वालिदैन पढ़ने और दूसरे कामों के लिए भेज रहे हैं। तो हम लोग ऐसी मतलब कहानी ढूंढते हैं कि जैसे कोई लड़की किशोरी है, उसकी पढ़ाई छूट गई, किसी की मदद से या किसी की भी मदद से मतलब करवाते हैं और वो सफल हो जाती है। तो हम लोग ऐसी कहानी ढूंढते हैं, फिर वीडियो जब बनाते हैं तो मतलब वो वीडियो दूसरों को दिखाई जाती है कि जिससे और भी लड़कियां मतलब महिलाएं या कोई भी वह जागरूक हो कि आगे चलकर मतलब वो भी कुछ कर सकें। यूनिसेफ का उद्देश्य है कि हर बच्चा स्वस्थ हो, सुरक्षित हो और महिलाओं का सशक्तिकरण हो। तो इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो स्मार्ट मीडिया है, इनको हमने बताया कि किस तरह से बलरामपुर और श्रावस्ती बाल विवाह वहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से और भी समस्याएं सेहत से जुड़ी, बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी बहुत ज़्यादा थी। तो उद्देश्य ये था कि ये लड़कियाँ मोबाइल फ़ोन से जो वीडियो बनाती हैं उसके माध्यम से पॉजिटिव स्टोरीज लेकर आएँ कि किसी ने अपना बाल विवाह रोका है या पढ़ाई आगे चलाने के लिए समाज से लड़ाई करी है, किस तरह से वो लड़कर आगे गई हैं। फतेहपुर हदगाम इज्तिमाई सेहती मरकज को जिले में सबसे आला मकाम हासिल हुआ है। इस मरकज में निजी अस्पतालों के तौर पर बेहतर सेहती खिदमात फराहम की जा रही हैं। सीएचसी में बनी हर्बल पुष्पार्टिका, जच्चाओं के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता जच्चा रूम, मरीज दोस्त वार्ड और बायो कचरे को ठिकाने लगाने जैसी सहूलियात किसी प्राइवेट अस्पताल को मात दे रही हैं। सेहती मरकज पर 24 घंटे इमरजेंसी सहूलियात दस्तियाब हैं। सहूलियात यहाँ तैनात
हेल्थ सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर अनुपम सिंह की कोशिशों का नतीजा है, जो सरकारी अस्पताल को नर्सिंग होम के तौर पर चला रहे हैं। इस CHC को रियासती इनाम से नवाजा जाएगा। यहाँ पे 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा है, 24 आवर्स प्रसव की सुविधा है, महीने में दो बार नसबंदी कैंप भी लगाता हूँ मैं। अगर मरीज मिलते हैं तो किसी सर्जन से रिक्वेस्ट करके OT भी चलवा रहा हूँ। ये सारी सुविधाएं हैं। लाभार्थियों को, प्रसव केंद्र के लाभार्थियों को संतुलित आहार दिया जा रहा है। मेरा प्रयास है कि लोग सरकारी सुविधाओं पर विश्वास करना शुरू करें, इसलिए मैंने ऐसा, जो हमारे पास सीमित बजट होते हैं उस बजट का प्रयोग करके लोगों से हेल्प लेके, सामाजिक लोगों से भी हेल्प मिला है मुझे, और आगे भी उन्होंने वादा किया है कि हेल्प करेंगे। मैं इसको एकदम आधुनिकतम बनाऊंगा कि लोगों का सरकारी सिस्टम पे विश्वास बहाल हो जाए। प्रयागराज जिले के असरा ब्लॉक बुदावा ग्राम सभा की सुनीता देवी के शौहर के इंतकाल के बाद उनके चार बच्चों की जिंदगी में अंधेरा छा गया था। सुनीता ने बताया कि मेरे शौहर मेहनत मजदूरी करते थे, उनके इंतकाल के बाद मुझे काफी दिक्कतें पेश आ रही थीं। मेरे पास खपरेल का मकान था जो बरसात के दिनों में रहने के काबिल नहीं रहता था। PM आवास स्कीम और बिजली के मिल जाने से बच्चों की तालीम अच्छी तरह से हो रही है। अब बरसात के दिनों में भी हम अच्छी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। वहीं ओम बाबू भारती ने बताया कि मेहनत मजदूरी करके वो अपना कुनबा चलाते हैं, जिससे पक्का मकान नहीं बन पा रहा था। बरसात के वक्त काफी दिक्कत होती थी, घर में रखे अनाज और कपड़े वगैरह सब भीग जाते थे। अब वज़ीर-ए-आज़म रिहायशी स्कीम और बिजली के मिल जाने से हम लोगों का रहन सहन और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काफी तब्दीली आई है। आपकी वो कटती थी, बहुत दिक्कत होती थी बरसात में, जब बरसात होती थी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, और रात में पानी बरसे तो कहीं इधर कहीं उधर बैठे रहते थे किनारे आराम से, इतना ज़्यादा दिक्कत होती थी। बच्चों को अपने पास लेकर अपने बैठते थे, खाने के पास दिक्कत होती थी, बहुत दिक्कत होती थी। पहले खंड में हमको पहले किस्त में पैसा मिला 40,000 रुपये, फिर इसको बनवाए, फिर दूसरे किस्त में 70,000 रुपया मिला, फिर 10,000 मिला, फिर उसके बाद मजदूरी मिला नरेगा के तहत मजदूरी मिली। शाहजहांपुर में इंतजामिया के जरिए बारिश के पानी को ज्यादा से ज्यादा जमा करने की लगातार कोशिश की जा रही है। जहां बारिश के पानी को 500 तालाबों में जमा करने का निशाना मुकर्रर करके पानी जमा करने का काम किया जा रहा है। वहीं एक बेमिसाल कोशिश के तहत जेर जमीन पानी की बर्बादी को कम करने के लिए हर स्कूल में नल के पास सोक पिट बनाकर स्कूली बच्चों के साथ आम लोगों को भी पानी बचाने के तहत बेदार किया जा रहा है। चीफ तरक्याती अफसर महेंद्र सिंह तंबर ने बताया कि पानी के तहफ़ को लेकर सरकार के अहकाम के मुताबिक तालाबों को नाजायज कब्जे से आज़ाद कराकर 500 तालाबों में पानी जमा करने का निशाना बनाकर मनरेगा से खुदाई कराई गई है, जिसके नतीजे में 300 खुदे हुए तालाबों में पानी जमा हो रहा है। बारिश की वजह से 200 तालाबों की खुदाई रुक गई। इसका सोकट है, बरसाती पानी है, पानी भी पानी है, और इसका विद्यालय का पानी इसके सोकट के अंदर जाएगा, इससे जल बचाव होगा। यही स्कूल में जो बनाया जा रहा है, इसका जैसे पानी की बर्बादी बचेगी, भू जल स्तर बढ़ेगा जनपद के हर स्कूल में, इसीलिए जो बनाए जा रहे हैं। यहाँ दो दो सॉक पिट बने हुए हैं, इसका उद्देश्य जल संरक्षण से है, क्योंकि पानी जो है इसके माध्यम से जमीन के अंदर जाता है और जमीन का जो जल स्तर निम्न हो गया है उसमें मदद मिलती है कि उसका जल स्तर उच्च हो, और इस मामले में समय समय पर हम लोग प्रार्थना के समय पर जल संरक्षण संबंधी संगोष्ठी भी करते रहते हैं और प्रार्थना समय बच्चों को बताते भी रहते हैं कि जल का बचाव कैसे करें। सीनियर बैंड रियासती एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज लखनऊ में PAC महानगर के एथलेटिक्स ग्राउंड में शुरू हुई। चैंपियनशिप का इफ्तिताह भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों को अच्छे नंबर हासिल करके आलमी चैंपियनशिप में अपना मकाम बनाने और अपनी अहमियत साबित करने के लिए नेक ख्वाहिशात दी। इस मौके पर कई मुकाबलों का इनेकाद किया गया। 200 मीटर खवातीन की दौड़ में तमिलनाडु की अर्चना ने 22 सेकेंड के वक्त में गोल्ड मेडल हासिल किया।
4x400 मीटर मिक्स्ड रिले में केरल की टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया। मर्दों की 5000 मीटर की दौड़ में तमिलनाडु के लक्ष्मण गोविंद ने सोने का तमगा हासिल किया। खवातीन की ऊंची कूद में केरल की अथीरा सोमराज ने सोने का तमगा जीता, जबकि केरल की ही लीबिया शाजी को चांदी के तमगे पर मुतमईन होना पड़ा। इस मौके पर रियासती सरकार के वजीर चेतन चौहान, स्वाति सिंह समेत कई आला अफसरान और खेल शायकीन मौजूद रहे। देखना है कि ले नंबर 7 में। और इसी के साथ खबरनामा खत्म होता है। इजाजत दीजिए, आदाब।